जोजो किड्स। लोमड़ी की कटी पूंछ। एक लोमड़ी एक जंगल में रहती थी। एक दिन जब वह कहीं जा रही थी, तब अचानक उसने जोर की आवाज सुनी। साथ ही उसने अपनी पूंछ में बहुत दर्द भी महसूस किया। ये मेरी पूंछ में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या हुआ मेरी पूंछ को? ओहो, इतना दर्द, बाप रे बाप। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया उसकी पूंछ तो शिकारी के बनाए पंजे में फंस गई थी। उसने अपनी पूंछ को खूब खींचा, पर पूंछ तो फंस चुकी थी, जिसका निकलना बहुत मुश्किल था। अरे, पूंछ तो पंजे में फंस चुकी है। अब वह उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। लोमड़ी, आहा, निकल गई। पर यह क्या, मेरा तो सिर्फ बालों का गुच्छा रह गया है। मेरी प्यारी लंबी खूबसूरत पूंछ आज मुझसे जुदा हो गई। मेरी पूंछ, हाँ, मेरी पूंछ, यह क्या हो गया? अब मैं दूसरी लोमड़ियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? बिना पूंछ के लोमड़ी कैसे अच्छी लग सकती है? लोमड़ी अपने आप को कोसती हुई वहां से चली गई। कुछ दूर जाकर लोमड़ी को एक उपाय सूझा। उसने सभी लोमड़ियों को अपने पास बुलाया। सभी ने उससे पूछा, अरे अरे लोमड़ी, तुम्हारी पूंछ को क्या हुआ? ये तुमने क्या किया? कहाँ है तुम्हारी सुंदर पूंछ? अरे, तुम्हें कुछ पता नहीं, मैं कल ही शहर से आई हूँ। आजकल पूंछ का फैशन ही नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी पूंछ काट दी। अब मैं चाहती हूँ आप सब भी मेरी तरह फैशन करें, अपनी पूंछ काट लें और समझदारी दिखाएं। अब इस पूंछ का क्या काम? तुम बहुत चलाक हो लोमड़ी, मगर हम भी बहुत चलाक हैं। अगर तुम लोमड़ी हो तो हम भी लोमड़ी हैं। अपनी गलती को छुपाने के लिए तुम इस तरह के बहाने बना रही हो, जिससे हम तुम्हारी बातों में आकर अपनी पूंछ काट लें। हम सब समझते हैं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। उसके बाद सभी लोमड़ियां वहां से चली गईं। किसी ने भी लोमड़ी की बात को नहीं सुना। चालाक लोमड़ी अपनी कटी पूंछ लेकर पूरे जंगल में घूमती रही। लोमड़ी और कौवा। एक बार कालू कौवे को एक बड़ा चीज का टुकड़ा मिला। वो बहुत खुश हो गया। खुशी खुशी चीज के टुकड़े को लेकर अपने घोंसले के पास जाकर बैठ गया। तभी वहां से सोमी लोमड़ी निकली और उसकी नजर कालू कौवे पर पड़ी। कालू के मुंह में चीज का टुकड़ा देखकर सोमी लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और किसी भी तरह चालाकी से अब वह टुकड़ा पाना चाहती थी। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया और उसने कालू से कहा, कालू दोस्त, तुम कैसे हो? अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सच, तुम जैसा सुंदर कौवा पूरे जंगल में नहीं है, और तुम्हारी सुंदर आवाज सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं। तुम कितना मधुर गाते हो, तुम्हारा रंग कितना प्यारा है, तुम बहुत ही अच्छे कौवे हो, तुम्हारा जैसा कौवा पूरे जंगल में नहीं है। मैंने कभी किसी कौवे को इतना अच्छा गाते हुए नहीं सुना। आज तुम कुछ अच्छा सा गाकर मुझे सुना दो प्लीज। कालू अपनी इतनी तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो गया। जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह को खोला, चीज का टुकड़ा जाकर नीचे गिर गया। सोमी लोमड़ी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और वो चीज का टुकड़ा उठाकर भाग खड़ी हुई। बेचारा कालू। अब कालू को समझ आ गया था कि सोमी लोमड़ी चीज का टुकड़ा पाने के लिए ये सब मन घड़न तारीफ कर रही थी।
बेचारा कालू अपने चीज के टुकड़े से हाथ धो बैठा। हाथी और उसके दोस्त। एक बार एक हाथी था जिसका नाम था अक्कू। जंगल में वह अकेला घूम रहा था। उसका कोई भी दोस्त नहीं था, मगर वह बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाना चाहता था। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक घोड़ा मिला। हाथी ने घोड़े से पूछा, घोड़े भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? नहीं भाई, मुझे तो तुमसे डर लगता है, तुम इतने बड़े जो हो। हाथी मायूस होकर आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसने देखा खरगोश कहीं कुछ खा रहा है, बंदर और कई सारे जानवर साथ में खेल रहे हैं। उसने एक एक करके सबसे पूछा कि क्या वे उनसे दोस्ती करेंगे, पर कोई भी अक्कू से दोस्ती करना नहीं चाहता था। बंदर, नहीं नहीं भाई, तुम तो बहुत बड़े हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। खरगोश बोला, अरे अरे, मैं तो तुम्हारे पाँव के नीचे जाकर दब जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ कैसे खेल सकता हूँ। हाथी मायूस होकर जाने लगा। तभी अचानक कहीं से शेर आया और सभी जानवरों को खाने लगा। उसने किसी जानवर को नहीं छोड़ना था, एक एक करके सबको खा जाता। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। हाथी को शेर की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो उसने शेर को एक जोर की लात मारी। शेर वहां से भाग गया। इतने में सभी जानवर हाथी के पास आए। बंदर, हाथी, तुम तो बहुत सच्चे दोस्त हो, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। खरगोश बोला, तुमने तो हमारी जान बचा ली, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। यह सब सुनकर हाथी बहुत खुश हो गया और हाथी उनके साथ खूब खेलता, खूब मस्ती करता और उनका ध्यान भी रखता। एक घने जंगल में एक पेड़ पर कालू कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। एक दिन कालू जब भोजन की तलाश में गया तो पीछे से सांप ने उसके अंडों को खा लिया। जब कौवा वापस अपने घोंसले में आया तो अपने बच्चों को ना पाकर बहुत उदास हो गया। कौवे को सांप पर शक भी हुआ और उसने फिर सांप से पूछा, भाई सांप, क्या तुमने किसी को मेरे घोंसले की तरफ आते देखा? किसी ने मेरे अंडों को खा लिया है? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे किसने खाए। कुछ समय बाद फिर से ऐसा ही हुआ, पर इस बार कौवे ने सांप को अपने अंडे खाते हुए पकड़ लिया। अच्छा, अब समझ आया, तुम ही मेरे अंडों को खा जाते हो, मुझे तुम पर पहले ही शक था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडों को खा गए? मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंडों को खा लिया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर सांप अपने बिल में चला गया। कालू बहुत उदास हो गया और उसने सांप से बदला लेने की सोची। फिर वह उड़ता हुआ राजा के महल की तरफ चला गया। तभी उसकी नजर महारानी पर पड़ी, जो तालाब में स्नान कर रही थी। महारानी के कीमती जेवर तालाब के किनारे पड़े थे, जिनकी निगरानी उनके सिपाही कर रहे थे। कालू कौवे को एक उपाय सूझा। वह एक लंबा सा हार अपनी चोंच में फंसाकर उड़ने लगा। सभी सैनिक कौवे का पीछा करने लगे। कालू ने चालाकी से उस हार को सांप के बिल में डाल दिया। जब सैनिकों ने बिल में डंडा मारा, तब बाहर निकला सांप, जिसके गले में महारानी का हार था। सैनिकों ने पीट पीट कर सांप को जान से मार दिया और हार ले लिया। इसी तरह कालू कौवे ने सांप से अपना बदला ले लिया। एक सीधा साधा हाथी और एक चालाक लोमड़ी दोस्त थे। दोनों साथ में घूमा करते थे। एक दिन वो दोनों भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक शेर मिला। आओ, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, अब तुम दोनों में से एक मेरा भोजन बनेगा। यह सुनकर हाथी बहुत घबरा गया
उसने लोमड़ी से कहा। तुम शेर से बात करके देखो। ठीक है शेर भाई जरा मेरी बात तो सुनो। आपके कान में कुछ कहना है। कहो। शेर भाई आप तो मेरे भाई हैं। मैं तो आपकी सब बातें मानती हूँ। मुझे खाकर आपका कोई फायदा नहीं, आपका पेट भी नहीं भरेगा। सच कह रही हूँ। इसीलिए एक आपको उपाय बताती हूँ। आपको हाथी को ही खाना पड़ेगा, तभी जाके आपका पेट भरेगा। इतना बड़ा हाथी खाने के बाद 2-4 दिन मजे से आप सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। नहीं तो मुझे खाके कल तक फिर भूख लग जाएगी। पर वो कैसे हो सकता है, मैं तुम दोनों को खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप मेरी बात मानो। आपको बस मेरे साथ मिलकर हाथी को गड्ढे में गिराना होगा। फिर दोनों ने मिलकर हाथी को गड्ढे में गिरा दिया। अब शेर खुश था कि उसका शिकार कब्जे में है। अब तुम इधर आओ चालाक लोमड़ी, खुद को बहुत चालाक समझती हो। अपने प्रिय दोस्त हाथी को भी मेरे लिए धोखा दे दिया। ऐसा कहकर शेर ने लोमड़ी को अपने पंजों में पकड़ लिया और उसे खा गया, जो दगाबाज थी। चींटी और हाथी। रानी चींटी बहुत मेहनती थी। सभी चींटियां रानी चींटी की बात को मानती थी। मिलजुल कर वे अपना घर बना रही थी। उसी जंगल में अप्पू नाम का एक हाथी भी रहता था, जो बहुत शैतान था। वह सभी जानवरों के साथ बहुत मस्ती करता था। जब चींटियों का घर बनकर तैयार हो गया, तब वे अपने लिए खाना जमा करने लगी। तुम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो, कितना थक जाते होंगे। मैं अपनी सूंड से तुम्हारे घर को कभी भी नष्ट कर सकता हूँ। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर अप्पू ने अपनी सूंड में पानी भरना शुरू किया। कुछ पानी पिया और कुछ चींटियों पर डाला। रानी चींटी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, हम बहुत दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं अप्पू, पानी डालकर हमारी मेहनत को बर्बाद मत करो। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तुम बहुत घमंडी हो अप्पू। हम सभी जानवर को मिलजुल कर जंगल में रहना चाहिए। हम सब एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तुम इतनी छोटी चींटी, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने अप्पू को पकड़ने के लिए जाल फैलाया और अप्पू उस जाल में फंस गया। तभी रानी चींटी की नजर शिकारी पर पड़ी। उसने अप्पू हाथी की जान बचाने की सोची। वह अप्पू के पास गई और बोली, अप्पू दोस्त घबराओ नहीं, मेरा दोस्त चूहा तुम्हारा जाल काट देगा और इस शिकारी को तो मैं मजा चखाती हूँ। सभी चींटियां शिकारी के पास गईं और उसे जगह जगह काटने लगी। शिकारी डर से तिलमिला उठा और जंगल छोड़कर भाग गया। चूहे ने अप्पू का जाल काट दिया। अप्पू ने चींटियों से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो चींटी रानी, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। आलसी तोता। एक पेड़ पर दो तोते रहते थे, किट्टू और मिट्टू। एक बहुत आलसी और दूसरा बहुत ही समझदार था। एक दिन समझदार तोते ने देखा कि पेड़ की जड़ से एक बेल निकल गई है, जो पेड़ का सहारा लेकर चढ़ती जा रही है। अरे देखो, हमारे पेड़ पर एक बेल ऊपर की तरफ आ रही है, चलो मिलकर इसे काट दें। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए दोस्त, मैं अकेले इस बेल को नहीं काट सकता। आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, हम कल काट लेंगे। ठीक है दोस्त, पर हम कल इसे जरूर काट लेंगे। अगले दिन फिर से तोते ने मिट्टू को आवाज लगाई। मिट्टू मिट्टू देखो, बेल तो दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है, आओ इसे काट दे। कहीं शिकारी आ गए तो इसके सहारे हमारे बच्चों तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे। मिट्टू तुम बात को समझो,
अभी तो बेल नाजुक है, मिलकर हम इसे काट सकते हैं। अगर ये सख्त हो गई, तो इसे काटना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते करते कई दिन निकल गए और बेल पक्की हो गई। तोता रोज मिट्ठू को आवाज लगाता, लेकिन मिट्ठू कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। किट्टू तोता अपने बच्चों को लेकर दूसरे एक ऊंचे पेड़ पर जाने को मजबूर हो गया, क्योंकि उसे पता था कि मजबूत बेल के सहारे कभी भी शिकारी आकर उसके बच्चे ले जा सकते हैं। मिट्टू, मैं अपने बच्चों के साथ दूसरे एक ऊंचे पेड़ पर रहने जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे? यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। टू तोता आलसी होने की वजह से हर काम कल पर टालता रहा। इसी तरह एक दिन जब शिकारियों की नजर मिट्टू के बच्चों पर पड़ी, तो उन्होंने मजबूत बेल पर चढ़कर मिट्टू के बच्चों को उठा लिया। अंत में मिट्टू को अपने आलसीपन के कारण बहुत पछताना पड़ा। प्लीज सब्सक्राइब।